नमस्कार वेलकम टू तो द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश दिस इज पंकज ओझा आ गया हूं लेकर आप सबके सामने ये देखिए आज की एल टी ग्रेट टी जी टी पी जी टी ड्रिल ट्वेल्व और इसमें हम देखेंगे हमेशा की तरह सबसे आसान व्याख्या और आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन जो आपके एल टी के लिए टीजीटी के लिए पी जी टी के लिए इंपॉर्टेंट हैं ओके डेली आप जैसा कि आपको पता ही है हमारा लाइव आने का समय बिल्कुल फिक्स हो गया है और इस समय पर हम डेली आपको लाइव मिलते हैं और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें जो हमारा पेज है जो sorry, जो सॉरी हमारा चैनल वो कैप सिंप्लीफाइड उस पर भी आठ बजे से डेली लाइव शेड्यूल होगा ओके सो आठ बजे से डेली आप वो पर uh, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग वो कैप सिंप्लीफाइड पर देखना ना भूलें कल से तो कल सत्रह तारीख से आपको डेली वो कैप सिंप्लीफाइड पर वो कैप की प्रैक्टिस करवाई जाएगी अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द मैडम ससोस्ट्रिस पैसिस इन द बरियल ऑफ द डेड द मैन विथ थ्री स्टेप्स स्टैंड फॉर द मैन विथ थ्री स्टेप्स देखिए तीन ये बंबू टाइप ये लिए हुए देखिए ये देखिए एक दो तीन ये तीन स्टेप्स हो गए द मैन विथ थ्री स्टेप्स आपको मैंने इमेज लगा दी है ओके okay. सोर्स इसका इंटरनेट पे इंटरनेट से इमेज ली है तो आप बताइए यहां पर द मैन विद थ्री स्टेप स्टैंड फॉर स्टेप ये इसको दिखाता है जो बंबू नुमा ये बना हुआ है तीन स्टेप तो ये जो uh, मैडम ससोस्टिस the में मैडम ससोस्टिस का जो पैसेज आता है द बरियल ऑफ द डेड में उसमें मैन थ्री स्टेप्स किसके लिए स्टैंड करता है किंग इडिपस के लिए फिशर किंग के लिए नाइट परसिवल uh, के लिए ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन रिस्पॉन्ड और आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा आपके एल्टी ग्रेड का नोटिफिकेशन जल्द आने वाले हैं और आप तैयारी करते रहिए ना केवल एल्टी की एल के अलावा आप टीजीटी पीजीटी की भी साथ में ही तैयारी कीजिए जीआईसी लेक्चरर की तैयारी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए आपको करना क्या है और जैसे मैं जो अप्रोच बताता हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है तो आपके पास चॉइसेस कई होनी चाहिए सिर्फ टीजीटी लेके मत बैठिए सिर्फ पीजीटी लेकर भी मत बैठिए अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है तो आप तैयारी कीजिए क्वेश्चन नंबर वन को और लोग रिस्पॉन्ड कीजिए इन द मैडम सोसोस्टिस्ट पैस और बरियल ऑफ डेड द मैन विथ थ्री स्टेप्स किसके लिए स्टैंड करता है तो पहले प्रश्न की बात करें तो फिशर किंग ओके okay? फिशर किंग को दिखाता है और फिशर किंग जो मैन विथ थ्री स्टेप है फिशर किंग है एक तरह से लाइफ फोर्स को दिखाता है वेस्टलैंड आपको पढ़ाई गई है तो आप वेस्टलैंड एक बार देख लीजिएगा वेस्टलैंड पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन है और वेस्टलैंड पे शायद इंटरनेट पे भी यूट्यूब पर भी हमने पढ़ाया है तो उसको देख लीजिएगा तो मैन विथ थ्री स्टेप्स ये किसको प्रतिनिधित्व करता है फिशर किंग को ध्यान में रखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिशर किंग को इतना आप ध्यान में रखिए क्वेश्चन नंबर टू द बेसिक सिंबल ऑफ द वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम जो बेसिक है कई वेस्टलैंड में बहुत सारा सिंबोलिज्म का यूज हुआ है सिंबल बहुत सारे सिंबल्स हैं जैसे वहां पर जहां पर लैक ऑफ वाटर है और वो कहीं पर जो मॉडर्निटी में जो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसको दिखाता है बहुत सारे ऐसे सिंबल्स यूज हुए हैं तो जो बेसिक सिंबोलिज्म है जो बेसिक सिंबल है वेस्टलैंड का कहां से लिया गया है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर टू का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर टू जेसीएल वेस्टर्न फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस यहां से जो जो बेसिक सिंबल ऑफ वेस्टलैंड है यहां से लिया गया है कहां से लिया गया है जेसीएल की फ्रॉम रिचुअल टू रोमेंस से यह ध्यान में रखिएगा सोर्स पूछे जाते हैं आपको पूछे जा सकते हैं ये पी जी टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एल्टी ग्रेड एंड जी आई सी लेक् ऑथर ऑफ द नोटोरियस बुक एन टाइटल स्कूल ऑफ अब्यूज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूंकि जो स्कूल ऑफ अब्यूज है उन्होंने पोएट्स के बारे में पाइपर्स के बारे में और कई लोगों के बारे में ऐसा बहुत ही गड़बड़ बोला था तो यहां पर आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द नोटोरियस बुक इन टाइटल्ड स्कूल ऑफ अब्यूज यूज ऑप्शन आर रॉजर एस्टम स्टीफन हॉप्स जॉन स्केल्टन स्टीफन गोसन क्वेश्चन नंबर थ्री फनविशर भी का जवाब यहाँ पर मुझे लगता है थ्री का डी आया है और सुभाष बाबू ने डी जवाब दिया है ओके okay, तो डी जवाब देने वाले यहां पर सही हैं स्टीफन गोसन द स्कूल ऑफ अब्यूज बहुत ही एक मैं कहूं कि एक बहुत ही नोटोरियस बुक बिल्कुल है इनफेमस बुक है चूंकि इन्होंने कवियों के बारे में बहुत ही एक तरह से लगभग बहुत ही गड़बड़ भाषा का यूज किया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं Who is the writer of the Hamlet and Oedipus? That's again important question. of जवाब it. Hamlet and Oedipus Question number four. Respond immediately. और ब्लूम कॉल एरिक एरिक्सन किसने लिखा है क्वेश्चन नंबर फोर का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात करें गरिमा अग्रवाल का जवाब आ रहा है सुभाष बाबू ने जवाब दिया है तृप्ति सिंह का जवाब आ रहा है और जिन लोगों का जवाब आ रहा है यहां पे मैं बता दूं सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं आर्नेस जोन्स इज द राइट आंसर ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी में देखने को मिल सकता है आपको मोस्ट प्रॉब्ली ओके

जो सिडनी ने नेपोलॉजी ऑफ पोइट्री लिखी वो किसके डिफेंस में लिखी किस किताब के जवाब में लिखी आप ये कह सकते हैं किसके डिफेंस में लिखी डिफेंस ऑफ पोइट्री तो डिफेंस ऑफ पोइट्री है ही अगेंस्ट द चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट बाई किसके द्वारा चार्ज लगाया गया था किसके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे जिन आरोपों का जवाब देने के लिए लिखी गई थी तो किसके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव में जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए जवाब भी आ रहा है स्टीफन गोसन स्टीफन गोसन ने स्कूल ऑफ अब्यूज में जो चार्जेस लगाए थे ओके इंक्लूडिंग पोएट्स पे उसके जवाब में फिलिप सिडनी ने क्या लिखा एपोलॉजी ऑफ पोएट्री लिखी और उन चार्जेस का जवाब दिया नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल यहां पर धर्मावती देवी सुभाष चंद तृप्ति सिंह आप सभी लोग सही हैं रीता कुशवाहा यास्मीन जहां बिल्कुल सुभाष बाबू क्वेश्चन नंबर सिक्स को आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए ऑफ द व्यू दैट हुई यहां पर हु होना चाहिए था मेरे से टाइपिंग मिस्टेक मेरी ही मिस्टेक होगी अगर लेट्स टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज द ऑफ द व्यू दैट द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट द एंड ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाई प्लीजिंग किसने कहा कि जो लेखन का उद्देश्य है वो निर्देशित करना है लेकिन जो काव्य का उद्देश्य है कविता का उद्देश्य है वो निर्देशित करना है लेकिन प्रसन्न करके निर्देशित करना ऐसा इस तरह के उद्गार किसने व्यक्त किए क्वेश्चन नंबर सिक्स का जवाब दीजिए डॉक्टर जॉनसन कॉलरिज मैथ्यू और नॉल क्वेश्चन नंबर सिक्स रिस्पॉन्ड इमीडिएटली जवाब आने चाहिए और आप लोगों की आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी योर प्रेपरेशन आई होप इज इन राइट पाथ तैयारी करते रहिए थोड़ी वैकेंसी यूपी में लेट आती हैं लेकिन लेट वैकेंसीज का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या टीचर रखने बंद कर देंगे वो और आप लोग सजेस्ट कीजिएगा इफ यू वांट एनी सेशन अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हो या तैयारी कैसे करें इसकी स्ट्रैटजी पर डिस्कस करना हो तो बताइएगा मैं एक लाइव क्लास जरूर रख लूंगा ओके चूंकि इस तरह कॉल्स आती हैं तो इतनी सारी कॉल्स का जवाब देना सेपरेटली हर एक को जवाब देना मुश्किल होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर बात करें तो यहां पर प्रमोद दुबे नरेंद्र प्रताप यास्मीन जहां पूर्णिमा भास्कर का भी सही जवाब आया है तृप्ति सिंह का सही जवाब आया है तो डॉक्टर जॉनसन इज द राइट आंसर अनडाउली डॉक्टर जॉनसन ने कहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं द ऑपोजिट ऑफ अब बताइए मोएसिस का ऑपोजिट क्या है वर स्टेटमेंट है इनवर्जन है एनोग्रसिस है है क्वेश्चन नंबर सेवन अच्छा बहुत लोग इसे इसेडॉक बोलते हैं सिनेकड बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए डकी बोलिए अभी एक लोग का फोन आया तो बोले सर सिनेक डॉक नहीं समझ में आ रहा हमने कहा सिनेक डॉक क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन रिस्पॉन्ड इमीडिएटली जितनी ड्रिल्स में मॉक ड्रिल टाउं ड्रिल वॉरियर्स ड्रिल इन सब में जितनी भी कराई गई है आ, फिगर आप स्पीच सारी कर लीजिए उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आप लोगों को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है उतना कर लीजिए उससे बाहर कुछ नहीं आना है दुर्गा शक्ति जवाब दे रही है सेवन का ए और हेलो योगिता सचान जी नमस्ते आ, यास्मीन जहां ने भी ए जवाब दिया है सेवन का उत्कर्ष गुप्ता का सी जवाब आया है लेट्स सी कौन सही है और लोगों के जवाब प्रतीक्षित हैं योगिता सचानो के ओवर स्टेटमेंट पूर्णिमा भास्कर ओके और लेट मी रिस्पॉन्ड यह बिल्कुल ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा देखिए मोहसिस क्या होता है अंडर स्टेटमेंट होता है मोहसी मोहसिस इज अंडर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट क्या है मर्कीसियो का फेमस एग्जाम्पल है रोमियो एंड जूलियट में उसे चोट लगती है और वो फैटल घाव होता है ऐसा घाव होता है कि जिसमें बिल्कुल उसके मरने की प्रबल संभावना है और उससे जब पूछा जाता है क्या हुआ तो कहता है बिल्कुल थोड़ा सा स्क्रैच लगा है थोड़ी सी चोट आई है अंडर स्टेटमेंट का मोएसिस का टिपिकल एग्जाम्पल तो मोएसिस काइंड ऑफ अंडर स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा किसी चीज को जो जितनी है उससे बहुत कम करके घाव लगा हुआ है जिससे मृत्यु हो गई और जब पूछा गया क्या हुआ तो कह रहा है थोड़ा सा स्क्रैच आया ओके okay? तो ये अंडर स्टेटमेंट हो गया तो अंडर अगर मोएसिस इज इक्वल टू अंडर स्टेटमेंट तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा ओवर स्टेटमेंट या इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा हाइपरबली भी यहां पर होता तो बिल्कुल हाइपरबली भी सही होता ओवर स्टेटमेंट हाइपरबली को ओवर स्टेटमेंट भी कहते हैं ध्यान में रखिएगा ये देखिए मोएसिस क्या है इंटेंशनल अंडर स्टेटमेंट ओके द ऑपोजिट आप किसका ऑपोजिट है यह भी देखिए का ऑपोजिट है और हाइपरबली को ही ओवर स्टेटमेंट कहते हैं एंड ऑफ एन एम्प्लॉय एंड इफेक्ट अब देखिए भाई है, भाई भाई है, ठीक है इन शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट वेन मर्कूस मोर्टली वोडेड एंड सेज इट इज ओनली स्क्रैच बिल्कुल मृत्यु वाले घाव लगे हुए हैं और कहता है कि सिर्फ एक स्क्रैच है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हेमरशिया एज यूज बाई अरिस्टोटल इन हिस्स थियरी ऑफ इज हेमर्शिया क्या है प्लेजेंट एंड ऑफ अ अ वीक इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो बताइए क्वेश्चन नंबर एट को रिस्पॉन्ड कीजिए आई थिंक इट्स एन ईजी वन रिस्पॉन्ड इमीडिएटली डेफिनेटली दुर्गा शक्ति जी पूर्णिमा भास्कर ने बिल्कुल तो सुभाष चंद बिल्कुल मोयसिस इज द ऑपोजिट ऑफ हाइपली बिल्कुल आप लोग यार चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा जितने भी लोग हैं जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं बता रहा हूं चैनल को फ्रीज कर दिया था चूंकि यूट्यूब वालों ने तो आपको ये बिल्कुल ये आपसे बिल्कुल ने निवेदन है कि आप लोग चैनल को देखने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया कीजिए जो कि फ्रीज उन लोगों ने कर रखा है वो अनफ्रीज कर दें बता रहा हूं मेरे 70 परसेंट जो लोग हैं उनके तक नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच रही है आई होप आप चैनल को और इन वीडियोस को देखने के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर जरूर कर देते कहीं होंगे कहीं शेयर कीजिए फेसबुक पर शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप होंगे लिटरेचर के वहां शेयर कीजिए या आप अपने जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कर दीजिए प्लीज तो यहां पर क्या हो जाएगा वीक ट्रेट इन द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी डेफिनेटली जिन लोगों का जवाब यहां बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है अजय पाल ने भी जवाब दिया है प्रमोद दुबे मोनू कुमारी पूर्णिमा भास्कर धर्मावती देवी योगिता सचान बिल्कुल एक वीक ट्रेट होती है लेकिन वो नॉर्मल वीक ट्रेट नहीं होती वो ऐसी आप ये ध्यान रखिए हेमर्शिया ऐसी वीक ट्रेट होती है जो उसके डाउनफॉल का कारण बनती है एक ही वीक ट्रेट होगी लेकिन वो इतनी प्रबल होगी कि ट्रेजिक हीरो के डाउनफॉल का कारण बनेगी ओके उदाहरण ले लीजिए आपके पास तमाम शेक्सपियर के प्लेस के उदाहरण है आप मैकबेथ को ले लीजिए जो वॉल्टिंग एम्बिशन है इतनी एंबिशन है कि वो एक के बाद एक गलतियां करता चला जाता है एक के बाद एक गलतियां करता चला जाता है वो रोक ही नहीं पाता अपनी को को और ले लीर को ले लीजिए लीजिए लियर लियर सेल्फ सेल्फ किंग की है ट्रेजिक फ्ला है सेल्फ डिलूजन का मतलब क्या हुआ सेल्फ डिलूजन का मतलब यही हुआ सिंपल सा कि अपने में ही खुशफहमी में मस्त रहना सेल्फ डिलूजन अपने में ही मतलब अपने को ही एक तरह से जैसे तारीफ सुनने की बड़ी आदत है उसे दो उसकी बेटियां तारीफ करती हैं तारीफ करके उसका सब कुछ ले लेती हैं एक बेटी ईमानदार रहती है वो तारीफ नहीं करती तो क्या करते हैं मतलब वो तारीफ नहीं करती तो एक तरह से उसको उतना वो नहीं करता और उसको किस तरह डिस्कार्ड कर देता है तो अपनी स्वयं की तारीफ सुनने की बड़ी आदत है और वही उसके विनाश का कारण बनती है बिल्कुल तो क्वेश्चन नंबर एट आई होप इट इज अंडरस्टूड हैमर्शिया और हैमरशिया को ही लूज अर्थों में ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम इज नोन फॉर इट्स एफोरिस्टिक स्टाइल पैथोस, सिनिसिज्म। बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन का जवाब दीजिए बिल्कुल सुभाष चंद जी एर ऑफ जजमेंट मिसिंग द मार्क डाउनफॉल बिल्कुल हैमर्शिया के बारे में सही बताया योग्यता वीक ट्रेट इन द हीरो ऑफ ट्रेजिडी डेफिनेटली ओके बताएं ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम इज नोन फॉर इट्स क्वेश्चन नंबर नाइन रिस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर की बात करें तो में सी सी जवाब जवाब आ रहे हैं बिल्कुल यहां पे सी देने वाले सब के सब सही होंगे फन भी उत्कर्ष गुप्ता पूर्णिमा भास्कर गरिमा अग्रवाल दुर्गा शक्ति योगिता सचान, बिल्कुल, पैथोस, जो ड्रीम चिल्ड्रन है किसके लिए जानता, जाना जाता है से ल क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा व्हाट डू यू मीन बाय वेमसिकल ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव ह्यूमन इज मॉर्टल एन इजी वन लेकिन बहुत सारे लोग गलत करेंगे मैं जान रहा हूं अगर कोई गलत ना करे तब तो अच्छा है ह्यूमन इज इमोर्टल ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल नॉट ऑल ह्यूम आर मॉर्टल नॉट ऑल ह्यूम आर इमोर्टल तो आपको बताना है इसको नेगेटिव में चेंज करना है ह्यूमन इज मॉर्टल क्वेश्चन नंबर टेन हेलो पूजा जी क्वेश्चन नंबर टेन का जवाब दीजिए उत्कर्ष गुप्ता गरिमा अग्रवाल योगिता ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल ओके क्वेश्चन नंबर टेन की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर टेन में बिल्कुल बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं और अनामिका द्विवेदी का भी बी जवाब आया अंकिता खरे ने बी जवाब दिया है तृप्ति सिंह दुर्गा शक्ति सुमित गंगवार जितने भी लोग हैं जिन लोगों का भी बी जवाब यहां आ रहा है सुमित गंगवार जी आपका आंसर सही नहीं है ओके तो यहां पर बी जवाब देने वाले ही केवल सही माने जाएंगे ह्यूमन इज मॉर्टल तो ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल वही बात हो गई ना मनुष्य मृत प्राय है या मतलब मॉर्टल है और मनुष्य ह्यूमर इज मनुष्य अमर नहीं है एक ही बात है द क्वार्टरली रिव्यू वॉज फाउंडेड बाई वॉल्टर स्कॉट बायरन जॉन मुरे थॉमस डी क्वेश्चन नंबर इलेवन का जवाब देना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल के लिए पीजीटी के लिए जीआईसी लेक्चरर के लिए क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर इलेवन में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है जॉन मुरे इज द राइट आंसर ओके जॉन मुरे इज द राइट आंसर और सही जवाब कई लोगों का आया है और तृप्ति सिंह का सही जवाब मुझे मैं देख पा रहा हूँ जो कॉमेंट मुझे दिख रहा है और, और बाकी लोगों का मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो डोंट माइंड इट जॉन मुरे इज द राइट आंसर ये देखिए क्वार्टरली रिव्यू वाज लिटरेरी एंड पॉलिटिकल पीरियोडिकल फाउंडेड इन मार्च 1809 इसको ध्यान में रखिए मार्च 1809 बाय लंडन पब्लिशिंग हाउस जॉन मे इट सीज्ड पब्लिकेशन इन 1967 इट वाज रिफर्ड टू एज लंडन क्वार्टरली रिव्यू एज रिप्रिंटेड बाय लियोनार्ड स्कॉट फॉर एन अमेरिकन एडिशन करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताइए डिस्क्रिपेंसी की सही स्पेलिंग कौन सी है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को अब रिस्पॉन्ड कीजिए आप लोग सही स्पेलिंग बतानी है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में सी क्यों नहीं होगा जो लोग सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही अंकिता करे शिव प्रकाश का सही जवाब आया गरिमा अग्रवाल ने सही जवाब दिया है पूजा सिंह का सही जवाब आया है तो यहां पर सी जवाब देने वाले सही स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिए आप कहते हैं कितने भी आप विद्वान बन जाइए लिटरेचर में कितने भी विद्वान बन जाइए ग्रामर में अगर स्पेलिंग Mistake से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत होते हैं सिलेक्शन का सोचिए कि भी नहीं आप सोच नहीं सकते सिलेक्शन के बारे में खासकर यूपी और ग्रेड में अगर आप सोच रहे हैं कि इसको डोंट टेक स्मॉल थिंग्स फॉर ग्रांटेड ये ध्यान में रखिएगा आप डिस्क्रिपेंसी डी आई एस सी सी आर पी ए एन वाई बिल्कुल सही जवाब वर्षा सिंह का आ रहा है नरेंद्र प्रताप का सही जवाब आ रहा है डिस्क्रिपेंसी और डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है अनियमितता क्या होगा मतलब अनियमितता डिस्क्रिपेंसी ये देखिए अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स दैट शुड बी द सेम दो या उससे अधिक चीजों में जो अंतर होता है जबकि उन्हें समान होना चाहिए कहने का मतलब अनियमितता द कमेटी इज रिपोर्टेडलीUnhappy अबाउट द डिस्क्रिपेंसी इन नंबर्स जो कमिटी गठित की गई थी वो खुश नहीं है क्योंकि नंबर्स जितने होने चाहिए थे उनमें डिस्क्रिपेंसी उनमें अनियमितता है वाइड डिस्क्रिपेंसीज इन प्राइसेस कोटेड फॉर द वर्क जो प्राइस है जो बताया गया था काम के लिए उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी है मतलब बहुत अनियमितता है डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन बिटवीन देयर इज सम द टू अकाउंट दो अकाउंट है समान होने चाहिए लेकिन दोनों में बहुत अनियमितता है समानता नहीं है वॉट आर द रीजन फॉर द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज परफॉर्मेंस इन स्कूल जो गर्ल्स और बॉयज का परफॉर्मेंस है स्कूल में उसमें इतनी अनियमितता क्यों है क्या कारण है कि दोनों परफॉर्मेंस में इतना अंतर है डिस्क्रिपेंसी तो क्या दिखाता है अनियमितता को दिखाता है आप ये समझिए तो यहां पर बिल्कुल आप आई होप इट इज अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं यहां पर सही स्पेलिंग बताइए सेरेन डिप्टी सही स्पेलिंग आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन Respond immediately. Question number thirteen. I am waiting for your responses. क्वेश्चन नंबर थर्टीन ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन में तृप्ति सिंह अंगिता खरे ओम नारायण सुमित गंगवार इन सबका जवाब भी आ रहा है और बिल्कुल इनके जो जवाब से मैं सहमत हूं थर्टीन में भी बिल्कुल सही होगा ये है सेरेन डिप्टी आइए देख लेते हैं इसको सेरेन डिप्टी द फैक्ट ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग और प्लेजेंट हैपनिंग बाय चांस कोई चीज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुहावना एकाएक हो जाए बाई चांस हो जाए आपके साथ कुछ अच्छा बाई चांस हो जाए तो उसे क्या कहेंगे serendipty. मतलब होता नहीं कई बार हमारे साथ एकाएक कोई बुरी चीज हो जाती है लेकिन कई बार यह भी होता है कि बाई चांस हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए ओके okay? तो उसे क्या कहेंगे सेरेन डिप्टी कहेंगे मीटिंग हर लाइक दैट एंड देयर ऑफ ऑल प्लेसेस वॉज टू सेन डिप्टी मीटिंग हर लाइक दैट एंड देर ऑफ ऑल प्लेसेस वॉज ट्रू सेरेंडिप्टी मतलब उससे मिलना क्या था इट वॉज अ प्लेजेंट हैपनिंग बाई चांस सेरेंडिप्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ एवरी इज फॉलोड बाई टू आर मोर नाउन्स द वर्ब्स एंड प्रोनाउंस आर इन द प्लूरल सिंगुलर अगर एवरी के साथ एवरी इज फॉलोड बाई टू आर मोर नाउन्स आपको बताना है वर्ब्स एंड प्रोनाउंस आर इन प्लूरल में होंगे सिंगुलर में होंगे अगर एवरी के साथ दो या उससे अधिक नाउन आते हैं तो क्या वर्ब सिंगुलर होगी प्रोनाउन सिंगुलर होगा या वर्ब प्लूरल होगी प्रोनाउन प्लूरल होगा बताइए जवाब दीजिए अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर में सुभाष बाबू गरिमा अग्रवाल उत्कर्ष गुप्ता तृप्ति सिंह सुमित गंगवार पूजा सिंह और भी बहुत सारे लोगों के जवाब भी आ रहे हैं बिल्कुल सही है यहाँ सिंगुलर होगा अनडाउेडली सिंगुलर वर्ब और और प्रोनाउन होगा आइए देख लेते हैं इसे भी इनकरेक्ट एवरी एवरीकाउ पिग एंड लगाना गलत है ये इनकरेक्ट है एवरी एवरीकाउ पिग एंड हॉर्स हैव नहीं लगेगा यहां पर यह देखिए इनकरेक्ट है और करेक्ट क्या है एवरी पिग एंड हॉर्स हैज लॉस्ट इट्स लाइफ इट्स लाइफ देयर नहीं ये देयर गलत हो गया हैव गलत हो गया इट्स सही है सिंगुलैरिटी को दिखाता है और हैज ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट रूल है आई सेट टू माई मदर प्लीज Warm this milk, don't boil it. Of course, there is a difference between warming something and boiling it. So, I said to my mother, Please warm this milk, don't boil it. You have to change it. You are supposed to change it into indirect narration. Question number 15. All the four options are given. I asked my mother that she may warm that milk but not boil it. I told my mother respectfully that she will warm that milk. Milky spelling, don't mind it, it is not the question related to spelling mistake and not to boil it. I requested my mother that she. ध्रुव सिंह धर्मावती देवी पूर्णिमा भास्कर फनवि सुरभि अंकिता खरे और बहुत सारे लोगों के जवाब यहां पर सही आ रहे हैं डी जवाब आ रहे हैं और डी जवाब देने वाले यहां सबके सब सही हैं. okay? क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट रादर इंटरेस्टिंग रघु कुड नॉट मैनेज गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन नो एरर बताइए स्पॉट द एरर, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जवाब दीजिए ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन किस पार्ट में प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है आप बताइए सिक्सटीन 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 का बी 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 बताया जा रहा है ओके okay. मोनू कुमारी पूजा सिंह योगिता सचान अंकिता खरे तृप्ति सिंह प्रतिमा मिश्रा ओके okay. बी बताने वाले सबके सब सही है बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूं ओके okay. यहां पर देखिए रादर जब आता है तो कुछ थोड़ा नेगेटिव के लिए आता है ये ध्यान में रखिए यहां पे रादर नहीं आएगा रादर इंटरेस्टिंग है कोई बोरिंग नहीं है कि रादर बोरिंग ओके okay? नेगेटिव के लिए रादर आता है यहां पे रादर ना आके फेयरली या कुछ और इस तरह का आएगा आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या बी पार्ट में एरर है अनडाउेडली ये, ये देखिए पार्ट बी में रादर के स्थान पर फेयरली या वेरी का प्रयोग होगा क्योंकि रादर का प्रयोग सामान्यतः बैड क्वालिटीज़ किसके लिए होता है बैड क्वालिटीज के लिए अवगुणों को बताने के लिए एजेक्टिव के पूर्व होता है जबकि फेयरली का गुड क्वालिटीज को बताने के लिए एजेक्टिव के पूर्व होता है जबकि ओके okay? सदगुणों को बताने के लिए ही इज राधर डल राधर बैड ये यहां देखिए कैसे यूज होता है रादर का ही इज राधर डल रादर बैड रादर नोटी राधर विकेट शी इज फेयरली रिलैक्सड अब देखिए फेयरली का पॉजिटिव सेंस में फेयरली रिलैक्स्ड ऐसे यूज हो रहा है तो फेयरली का यूज पॉजिटिव सेंस में जबकि रादर का यूज नेगेटिव सेंस में होता है ओके तो अगर हम फिर से पुरानी इस पे जाते हैं इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग आप कर दीजिए सही हो जाएगा या तो रादर की जगह आप वेरी कर दीजिए या तो रादर की जगह फेयरली कर दीजिए ओके फेयरली कर दीजिए या आप वेरी भी कर सकते हैं नो no प्रॉब्लम वेरी कर दीजिए माला वॉज ऑफन टीज डैश कॉर्प्यूलेंट बाई हर फ्रेंड्स अब यहां पर एक वर्ड आया है कॉर्प्युलेंट कार्प्यूलेंट का यहां पे पहले तो आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए ओनली देन यू विल बी एबल टू टेल एंटीनिम ऑफ द कॉर्प्यूलेंट तो कॉर्प्यूलेंट का एंटीनिम क्या होगा बताए रिस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सुमित गंगवार बिल्कुल दिया होगा मैं मेरी नजर कहां पर होती है पैनल पे होती है सो मेनी टाइम्स आई एम अनेबल टू सी द फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 की बात अगर करें दोस्तों तो यहां पर बताएं फैट हिपी सिलेंडर पंपिश क्या हो जाएगा तो डेफिनेटली कॉर्प्यूलेंट किसको दिखाएगा फैटनेस को दिखाता है फैटनेस को दिखाता है और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा स्लेंडर स्लेंडर का मतलब क्या होगा स्लिम स्लेंडर का मतलब क्या हो जाएगा स्लिमनेस को दिखाएगा ओके okay? तो इसका ऑपोजिट सी हो जाएगा यहां सी जवाब देने वाले नरेंद्र प्रताप का सी जवाब आया है. बिल्कुल फैटी, प्लमी, ओबीज बिल्कुल योगिता सचान जी तो जहां सी जवाब जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल वो सही है ओके कार्प्यूलेंट देखिए इफ यू डिस्क्राइब सम वन एज कॉर्प्युलट यू मीन दे आर फैट ही इज अ शॉर्ट सम वॉट कार्प्युलेंट मैन ऐसे आप यूज करते हैं कॉर्प्युलेंट मीन आप किसी को कॉर्प्युलेंट कह रहे हैं इट मीनस यू आर रेफरिंग ही आर शी एज फैट डू नॉट इंसल्ट हिम चेंज द वॉइस लेट ही नॉट बी इंसल्टेड लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड लेट नॉट ही बी इंसल्टेड लेट नॉट हिम बी इंसल्टेड बताएं क्वेश्चन नंबर एटीन का जवाब देना है आपको क्वेश्चन नंबर एटीन रिस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर एटीन

Head इन द क्लाउड्स ये idiom है इसका क्या मतलब होगा हेड इन द क्लाउड्स टू बी वेरी लेजी टू डे to टू फेल गिडी टू बी वेरी टॉल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का जवाब देना है। जी बिल्कुल योगिता जी बिल्कुल ओम नारायण जी एंड आई होप यू ऑल शेयर दिस वीडियो सो दट मोर एंड मोर पीपल कैन नॉच दिसन आने वाले समय में और लोग जुड़ सकें जैसा कि मैंने बताया कि चार महीने ना आने की वजह से इट वॉज फ्रीज्ड बाई यू ट्यूब माई चैनल वॉज फ्रीज बाई यू ट्यूब आई आई वॉन्ट योर हेल्प इन अन फ्रीजिंग दिस चैनल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं और साधना सिंह सुभाष बाबू ओम नारायण और बाकी लोग जितने भी लोगों के जवाब यहां बी आ रहे हैं वो सबके सब सही हैं बी जवाब देने वाले यहाँ सही हैं टू डे ड्रीम ओके इफ योर हेड इज इन द क्लाउड हेड इन द इफ योर हेडिंग इन द क्लाउड इट मींस यू आर डे ड्रीमिंग दिवा स्वप्न देखना फिगरेटिव यूजली विद विद इंडिकेट दैट अ पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड एंड और डिसकनेक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन एंड रियालिटी आप ना तो वर्तमान परिस्थिति से अवगत है ना वर्तमान यथार्थ से अवगत हैं आप डे ड्रीमिंग में बिजी हैं आप बिल्कुल दिवा स्वप्न में व्यस्त हैं ओके इट इंडिकेट्स डे ड्रीमिंग इट इंडिकेट्स लैक ऑफ रियालिटी सिनेम ऑफ नेसेंट लेटेस्ट बिजार इनिशियल एमच्योर नेसेंट का सिनेम बताना है इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा और इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए नेसेंट का सिनेम बताइए आप बताएं जवाब दीजिए रिस्पॉन्ड इमीडिएटली और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो वो कैब सिंप्लीफाइड अपना चैनल है वो कैब के लिए डेडिकेटेड है उस पर कल से आठ बजे में डेली लाइव आऊंगा और बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं आठ बजे से लाइव आने का चूंकि मेरे पास नौ बजे वाला स्लॉट पहले से बुक है आठ बजे का ही समय था उसके पहले काफी व्यस्तता रहती है तो आठ बजे से मैं लाइव आऊंगा उस पर भी आप जुड़ सकते हैं वो कैब सिंप्लीफाइड पर और वहां पर वो कैब आपको आसान तरीके से कराई जाएगी बहुत आसान तरीके से इफ यू अनेबल अभी भी आपको टफ लग रही है तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं नेसेंट का मतलब यहां पर हो जाएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं इनिशियल नेसेंट इज इनिशियल प्रारंभिक कोई भी चीज जो तुरंत तुरंत प्रारंभ हुई है लेकिन उसके बहुत अच्छा होने की संभावना तो है बहुत उसके रोबस्ट होने की बहुत अच्छे होने की संभावना है लेकिन अभी अभी प्रारंभ हुई है ओके okay? तो वो नेसेंट है इसको देख लीजिए कैसे यूज करते हैं नेसेंट ओनली रिसेंटली फॉर्म्ड आर स्टार्टेड बट लाइकली टू ग्रो लार्जर क्विकली ओके नेसेंट पॉलिटिकल पार्टी मतलब अभी अभी तो शुरू हुई है पॉलिटिकल पार्टी लेकिन बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी इस तरह जो नया नया प्रारंभ हो और बहुत अच्छा उसका पोटेंशियल हो तो उसे क्या बोलते हैं बोलते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई problem जो अभी-अभी शुरू हुई है लेकिन उसके भविष्य में बहुत बड़ा हो जाने की संभावना है ओके okay? तो को ऐसे आपको मेरे द्वारा. है, उसको भी देखना ना भूलें और इस वीडियो स्ट्रीम को प्लीज प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट मोर एंड मोर दिस और जुड़ सके ज्यादा से ज्यादा लोग थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन थैंक यू ओके सुमित गंगवार जी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू थैंक यू गुड नाइट गॉड ब्लेस यू ऑल